बनाने जा रहे हैं बैंगन की कलौंजी। इसमें हमने सफ़ेद और हरे दो तरह के बैंगन लिए, और बैंगन को हमने पहले बीच से चीरा लगा दिया और देख लिया इसमें कोई कीड़े तो नहीं है। इसके लिए हमें क्या सामग्री चाहिए, यह धनिया और थोड़ी जीरे का पाउडर है। उसके बाद हम लेते हैं 1 कली लहसुन और उसमें थोड़ी सी राई, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक एंड स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हींग। लहसुन और सरसों को हम एक साथ पहले ग्राइंड कर लेंगे। लहसुन और राई को हमने अच्छे से पीस लिया है। आपके पास जो भी हो, काली सरसों हो या पीली सरसों हो, आप कोई भी ले सकते हो। अब इसके बाद हम लेंगे एक बाउल। इस बाउल में हम डालेंगे पहले ये धनिया पाउडर और फिर डालेंगे हम हींग। उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर हमारा स्वाद अनुसार ही हम लेंगे। आपके घर में लोग जैसा मिर्च खाता हो वैसे ही डालिए। और इसमें हम डाल देंगे ये सरसों और लहसुन का पेस्ट। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी सरसों तेल। अगर आपके पास आमचूर पाउडर हो तो 1 चम्मच आमचूर पाउडर लें, अन्यथा इसमें हाफ नींबू का रस मिला दें। और अब हम जाते हैं, चलते हैं इसको भरने। देखिए, इसमें आपको अपने हाथों की सहायता लेनी होगी, ये स्पून से नहीं होगा। अच्छे से सारे बैगन को हम पहले भर लेते हैं। इसी प्रकार से हमें सारे बैगन को भर लेना है। और एक बार पूरे बैगन भरने के बाद इसे 15 मिनट रेस्ट पर रख देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, उसमें बैगन में अच्छे तरह से नमक चला जाता है। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम चलते हैं अपनी कलौंजी बनाने के लिए। पहले हम कढ़ाई में तेल डालते हैं और उसे अच्छी तरह से फुल फ्लेम पर गर्म होने देते हैं। उसके बाद जब हम कलौंजी बनाने लगेंगे तो वो आँच को मीडियम रखेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया तो हम आँच गैस को कम कर देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें अपनी कलौंजी। और हम इसे अच्छे से पकने देंगे। अब हम इसे थोड़ा पलट देंगे। हमारा बैंगन सिकने लगा। और एक अच्छी बात बतानी है, ये जो बैंगन है व्हाइट एंड ग्रीन, ये मैंने बाजार से नहीं लाई है, मेरे खुद के टेरेस गार्डन के ही बैंगन है, ऑर्गेनिक और काफ़ी स्वादिष्ट। ये देखिए हमारा बैंगन कितने अच्छे से पक गया है। देखिए अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा बैंगन क्या कलौंजी कितने अच्छे तरह से तैयार हो गया है। है ना स्वादिष्ट, है ना बढ़िया। बाकी के बचे हुए बैंगन को भी हम इसी प्रकार फ्राई कर लेंगे।
धन्यवाद दोस्तों।